हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं मधु, न्यू चैनल में आप लोग का स्वागत है। सवेरे सवेरे का टाइम है, सो के उठी हूँ, सारा काम कंप्लीट हो गया है मेरा। अब जा रहे हैं किचन में बच्चों सब के लिए लंच बनाने के लिए, तो चलिए चलते हैं, लंच बनाते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में और देखिए यहाँ पे ले ली हूँ पत्ता गोभी, 3-4 प्याज है और गाजर है, शिमला मिर्च है, लहसुन है, अदरक है। तो चलिए बनाते हैं नाश्ता। देखिए हमने सारे चीज़ को कद्दूकस कर लिया है और प्याज भी काट के इसमें डाल लिया है और मिर्ची काट के डाल लिए हैं। और देखिए इसमें से देख रहे हैं पानी भी घसे हैं तो पानी निकला है, तो पानी को निचोड़ के निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसको निचोड़ के रख लिए हैं और जो बचा हुआ था उसको छन्नी में छान लेंगे और इसको अच्छे से देखिए इस तरह से गाड़ लेते हैं। ये पानी देखिए कितना निकला है, इस पानी को फेंकेंगे नहीं, रख लेंगे ताकि इसका जो भी प्रोटीन है पानी में है तो ये आगे काम देगा। इसको हम रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये बेसन है, इसमें देखिए बेसन मिला लेते हैं। तो देखिए हम सब कुछ इसमें मिला लिए हैं, अच्छे से मिल चुका है। देखिए अब हम यहाँ पे गैस जला लिए हैं और तवा चढ़ाए हैं, तवा पे सरसों तेल दिए हैं, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है, देखिए धुआं निकल रहा है। तो चलिए हम बनाते हैं। इस तरह से बना लेंगे। देखिए हमने डाल लिए हैं और इसको इसको पका लेते हैं। देखिए हम इसको पलट चुके हैं, देखिए इसको पलट दिए हैं एक बार। कितना अच्छा देखने में लग रहा है, गांव घर में इसको चटका बोला जाता है। तो देखिए मेरा बन चुका है रेडी चटका, पत्ता गोभी और गाजर शिमला मिर्ची का चटका। कितना अच्छा देखने में लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी अच्छा लगता है और टेस्टी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट भी होता है और हेल्दी भी होता है। हाय गाइस, देखिए मेरी दीदी पकौड़े तल रहे हैं। देखिए यहाँ पे पकौड़े तल रहे हैं, यहाँ पे पकौड़ा तलने का सवाल है। ये देखिए मेरा दही तैयार हो गया है चटका, अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए
और निकाल लिए हैं और जो है उसको हम डाल देते हैं। दोस्तों आप लोग भी ऐसे बनाएं टेस्टी नाश्ता, बच्चों लोग को बहुत पसंद आएगा। देखिए हम इस पे डाल लिए हैं। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि न्यू स्टाइल में आप लोग के लिए वीडियो बनाती रहीं।